जब वो चलती है उसकी पायल न जाने कितनों के दिल को घायल कर देती है। पायल होती ही कुछ ऐसी है, किसी की पायल हीरे की होती है तो किसी की पायल मोतियों की, तो किसी की पायल में घुंघरू का राज चलता है। सेट पर हमारी इन सभी बहुओं के पास खूब सारी प्यारी प्यारी पायल होती है जिसे पहनकर ये बहुएं अपने पैरों की शोभा बढ़ाती हैं। 16 श्रृंगार का एक अहम हिस्सा पायल भी होता है जिसे खरीदने के लिए आपको इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर सोनाक्षी आपको बताएंगी कि ऑनलाइन पे आप अपनी पसंद की पायल कैसे खरीद सकते हैं। एक्टिक शूटिंग के चलते बाहर शॉपिंग करने का वक्त तो मिलता नहीं है, खूब सारे इवेंट पे जाना पड़ता है, रेड कार्पेट पर चलकर अपनी पायल को फ्लॉन्ट भी तो करना पड़ता है। इन सभी बहुओं का एक ही उपाय होता है, जरा देखिए किस तरह से एक से बढ़कर एक पायल खरीद रही हैं डॉक्टर सोनाक्षी। एंकलेट सुन के आपको क्या लगता है, मॉडर्न की आउटडेटेड लगता है ना? लेकिन नहीं, आजकल तो बहुत मॉडर्नाइज एंकलेट्स निकल चुके हैं, मतलब बहुत मॉडर्नाइज पायल्स। ये वाले एंकलेट्स पहनने चाहिए, ऐसे वाले जो बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज है। लगता है ना कि आपने कुछ मतलब टैटू बनाया है, ऐसा ही लगता है क्योंकि ये लेस का है। बैले शूज और सब इस पे पहन सकते हैं, ये डाल के शूज डाल सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड ट्रेंड राइट नाउ ऐसे वाले। और ये भी बहुत अच्छे है जब आप अभी रेनी सीजन में जब आप बाहर घूमने जाओगे, चप्पल पहनोगे या यू नो यू विल वेयर मिनिमल काइंड ऑफ फुटवेयर, तो ये सब बहुत अच्छा लगेगा। ये ना गाउन्स पे पहनते हैं, और वो फ्लोई गाउन्स जो होते हैं जो हम बीच पे पहनते हैं फ्लोई वाले, तो ये वाला उस पे पहना जाता है जो बहुत वो चेन टाइप है। और इससे हम सैंडल मतलब बैलरीनाज बैले शूज और सब इस पे पहन सकते हैं, ये डाल के शूज डाल सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड। पायल की जो आवाज़ आती है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें तो खैर बहुत ज़्यादा घुंघरू है तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। मैं कभी भी दोनों पैरों में नहीं पहनती हूँ, मैं उसे एंकलेट बना के पायल एंकलेट बना के पहनती हूँ। सो मुझे अच्छा लगा बिकॉज इट्स सिंपल और साथ में इसमें कलरफुल स्टड्स भी है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट आप जब पैरों में भी देखोगे और वो बड़े से झांझर जब पहने हुए होते तो अपने पैर हमारे पैर बहुत बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक्सेसरीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसीलिए मैं हर एक एक्सेसरी से बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हूँ। पैर है, एक सोने का है और एक चांदी का है। मेरे सोने के जो पायल है उनमें रूबी है स्टडेड और जो चांदी का है वो तो बस चांदी का ही, उसमें घुंघरू लगे हुए हैं। तो हाँ, मेरे पास दो पैर ऑफ पायल्स है। पायल का सच मतलब जो घुंघरू होते हैं वो मैं ज़्यादा नहीं पहनती, बट आई यूज़ टू वेयर दिस पायल, पता नहीं आप बोलोगे कि नहीं, पर एंकलेट
जिनमें कॉरल स्टडेड थे वो मैं एक पहनती थी। मैं तो बहुत तरीके की पायल पहनती हूँ, ऐसी मोटी मोटी, फिर कभी ब्लू स्टोन्स। जब भी कहीं सीन आते हैं, पैर आते हैं, दिखाई देते हैं, तो कहा गया है कि भाई भावों के पैर में पायल और बिछुए ज़रूर होने चाहिए, बहुत प्यारा लगता है। ये जो है वो गठीली है, क्योंकि मारवाड़ी जो होते हैं वो बहुत गठीले से होते हैं। पायल को लेके मैं इसलिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ क्योंकि मैं आई थिंक बचपन से मेरी माँ ने मुझे पायल बहुत पहनाई है और मैं पिछले 15 साल से एक पायल पहन रही हूँ। और ये वाली जो है ये मेरी सेट की पायल है जो मैं पहनती हूँ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पायल का क्रेज़ हमारे सेट पर बहुत ज़्यादा है, भाबों को, संध्या को, सबको बहुत क्रेज़ है पायल का। और मेरा तो डिफरेंट है, मैं तो सुबह से ही आती हूँ तो सब लोग यही बोलते हैं, ओ देखो छन छन करती हुई आई, मैडम आ गई, मीना जी आ गई। बेसिकली एक श्रृंगार का एक और जेवर है जो आप लेडीज़ के उस पर एंकल पे देखते हैं, पर मेरे लिए स्पेशल चॉइस अगर दी जाए तो जब तक उस पायल में से आवाज़ ना आए तो उस पायल का कोई मतलब नहीं। मैं तो अपने घर में हर रोज़ सुबह घुंघरू पहन के घूमती रहती हूँ, जैसे कि हर रोज़ मैं ओडिसी की प्रैक्टिस करती हूँ। अब सब जानते हैं कि मैं ओडिसी सीख रही हूँ, तो हर रोज़ सुबह पिछले 2 सालों से जब से मेरी शादी हुई है तो वैसे पायल पहनूँ ना पहनूँ मगर हर रोज़ सुबह घुंघरू की खन खन से जो मेरे परिवार वाले सब लोग उठ जाते हैं। देखिए आपने सबकी पायल देखी होंगी, मेरी पायल थोड़ी डिफरेंट है, मुझे घुंघरू का इतना शौक है कि मेरी जो ये पायल भी है इसमें भी घुंघरू है, तो ये भी ऐसे ऐसे करके बजती है। तो और इनफैक्ट संध्या सूरज जी को भी बड़ी पसंद है, हमारे कैरेक्टर जो हैं, तो सूरज जी भी जब ने ही ये संध्या को गिफ्ट की थी तो वो भी घुंघरू वाली दी थी ऐसे बजा के। तो मेरी सेट की जो पायल है वो भी खन 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 करती रहती है सेट पे। इंडो वेस्टर्न स्टाइल अगर आप कैरी करें, प्लाजोज पहने, कुर्तीज पहने या प्लाजो के ऊपर टी शर्ट पहने, हुंडीज पहने, तो गंजीज पहने, तो मुझे लगता है आप कैरी कर सकते हैं इजिली। इनफैक्ट आप स्कर्ट्स पे भी, हॉट पैंट्स पे भी इसको कैरी कर सकते हैं अगर आप स्टैलोटोज या सॉरी स्ट्रेप वाली या फिर चप्पल कोल्हापुरी चप्पल पहने नीचे उसके, तो ये बहुत सुंदर लगेगी तब पायल। मैंने भी कई बार पहनी है क्योंकि कई बार निकलती नहीं है तो फटाफट से आ जाते हैं हम लोग ऐसे ही। इतनी सारी खूबसूरत पायलों को देखकर आप भी जरूर खूब सारी पायल खरीदेंगे, इतना तो हम यकीन से कह सकते हैं। निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।